अब मेरी गाड़ी की चाबी ही नहीं मिल रही है क्योंकि ये बसंती और बसंती की है धन्नो। तो दोस्तों इनका ब्रेकफास्ट रेडी है। इतना साला मैं अकेला नहीं खाऊंगा। नहीं तुम खाते। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और अब चाय जो है आ जाती है, उसके बाद पियेंगे और जल्दी से नहाएंगे नहाएंगे क्योंकि अभी का टाइम हो चुका है 10:15 और हम लोग हो चुके हैं लेट। अब सोच लो इतना लेट तो हम लोग नाश्ता करते हैं, तो नहाते हैं, उसके बाद शॉप जाते हैं। 10 मिनट ना फास्ट है बहुत। ठीक है, मेरा हो गया है सब रेडी। आप लेट उठे हो, मैं नहीं। ओके ओके ओके। ये बहुत बोलती बहुत बहुत। चाय भी आ गई अपनी, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। आज ये लड़की जो है ना, ये शॉप जाएंगे अकेले और जूस को यहाँ पे पिछले काफ़ी देर से निकाल के रख दिया। मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए रखे हैं, बट ये बोलती है मैं जूस पी के जाऊँगा। मैं बोला ऐसे कौन रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बाहर रखने पे कड़वा हो जाता है, ऐसा मेरा मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। चलो इनको विदा करते हैं और अपन घर में थोड़ी देर बिताते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना सब बढ़िया। हेलमेट लगा लो, एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए मंगाई। हाँ तो सही चीज़ है ना, लगा के जाना चाहिए। चलो अब अपन घर में रहेगा थोड़ी देर, क्या क्या करेगा वो बताते रहेगा। चलो मेनी आवर्स लेटर। तो दोस्तों मैं मॉर्निंग से शॉप गया ही नहीं था, आप लोगों को जैसे कि पता है कि वाइफ गई है, उसके बाद से मैं घर में था और अभी का टाइम हो गया डेढ़ बज गए हैं, तो अब लग रही है जोरों की भूख। तो मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए, उसके बाद कैमरा उठाया जाए, उसके बाद आज घर में बना क्या है वो भी बताया जाए। तो डेली ब्लॉग में कुछ कुछ चीज़ें चेंज होते रहती हैं, बट काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारी वीडियोस आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई भी वल्गरिटी नहीं रहती है, एकदम दिल खोल के शेयर भी कर सकते हैं। तो क्यों रुके हैं कर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो चलिए आज क्या बनाए खाने में दिखाते हैं आपको। रोटी और गोभी आलू की सब्जी, क्या बात है, दिख इतनी अच्छी रही है, मतलब टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा, मतलब स्वाद ही आने वाला है। चलो खाते हैं अपन, और आप लोग वीडियो में इतनी देर हो ही गई है तो आप लोगों से एक बार पूछ भी लेते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप भाई की तरह एकदम मस्त हो गया और एकदम मस्त ही रहना है। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया, मज़ा आया। और हमारी गाड़ी का नाम बहुत सारे भाई लोगों ने सजेस्ट किया है, बट देखते हैं अपन शाम तक या थोड़ी देर बाद अभिषेक भाई से मिल के डिस्कस करते हैं क्या नाम रखा जाए। राम प्यारी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुल्तान उतना अच्छा जम नहीं रहा है, बट राम प्यारी सुपर्ब लग रहा है। देखते हैं क्या सीन होते हैं। चलो अभी अभिषेक भाई के पास जाना है, पहले खा लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। सुपर्ब बना। मैं खाना ही खा रहा था तो खाना खाते खाते मुझे एक चीज़ याद आई कि सब्जी जब अच्छी होती है ना तो मेरी वाइफ ना मेरे लिए एक रोटी एक्स्ट्रा बना के जाती है, क्योंकि पता है कि सब्जी अगर अच्छी होगी ना तो एक रोटी और खा लेंगे। बट पहले मैं 3 रोटी खाता था, उसके बाद 4 हुआ, 4 से जब सब्जी अच्छी बनती है तो 5 हो जाती है। मतलब मोटा नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा यार, बस कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। वैसे आज मैं शॉप गया नहीं तो साथ में खाते, बट आज अकेले खा रहे हैं, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में सब चीज़ों के मज़े लेने चाहिए, और बस यही बताना था तो मैं सोचा बता दूँ, उसके बाद अब खाना खा के निकलेंगे अपन। मुझे ना इतनी खुशी और थी कि मैं अब निकलता हूँ, अब मेरी गाड़ी की चाबी ही नहीं मिल रही है। आ गई बाइक की चाबी है यार, घर खोज डाला, खोजता हूँ फिर से। तो फाइनली जाके चाबी जो है मिल गई मेरी। अभी कहाँ मिली मैं बता दूँ, वाइफ ने शायद कल मेरा पैंट धोया होगा तो पैंट के जेब में थी और वहीं बाथरूम के पास रख दिए। तो चलिए चलते हैं, इसमें चाबी मिल गई नहीं तो वरना कार में जाना पड़ता। मैं अभी गाड़ी निकाल ही रहा था तो मुझे इसका नाम याद आया कि धन्नो रखना चाहिए, क्योंकि ये बसंती और बसंती की है धन्नो। चलो नाम डन, आज से हमारी धन्नो का कार का नाम धन्नो हो गया। चलो और ये वाली रोड भी अगर बन जाती ना तो काफ़ी अच्छा रहता। आप लोग सोचते होंगे ना क्या रोड बनाने का ठेका कर लेने लग गए हैं क्या, जब देखो तब जहाँ रोड में जाते हैं वहाँ रोड ख़राब है ये है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है कि रोड अगर ख़राब है, कच्ची सड़क है तो बन जाए तो काफ़ी अच्छी लगेगी, मेरे लिए नहीं गाँव वालों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। तो और ये धान की फसलें अब ये कटने के करार पर आ गई हैं, अब ये कट जाएगी,
तो यहाँ पर जो है पूरा खाली खाली मैदान सा दिखेगा और एक दो खेत में तो कटना भी शुरू हो गया धान की फसलें। क्या बात है, चलो बिना देरी करते हुए चलते हैं अभिषेक भाई के पास। आपका भाई तो बहुत बात करता है। और दो दिनों से वीडियो का टाइमिंग 11 बजे हो गया, मैंने 11 बजे वीडियो का टाइमिंग कर दिया है और इसलिए किया है ताकि लोग जो है 11 बजे तक उठ जाते हैं और मॉर्निंग में उठ उठ के हमारी वीडियोस देख लें। चलो अब चलते हैं। अपन आ गए अभिषेक भाई के यहाँ, काफी टाइम हो गया, मामा भी थे अभिषेक भाई के, तो मामा जी तो चले गए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए। अब भाई साहब के दुकान आज हमारा दुकान चेंज हो गया, दुकान चेंज हो गया, देख रहे पिंक पिंक हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल जितनी राधाएं वो इन्होंने बताई थी ना, वो राधाओं के हिसाब से ये पिंक कलर इन्होंने चूज किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, डिजाइन अच्छा लगा था। कोई नहीं, हम सोचे एक बाय है तो मिल लेते हैं, उसके बाद तो सीधा जाना है मुझे शॉप के लिए। शॉप जाएंगे, उसके बाद शॉप संभालेंगे। और बस गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, उसके चक्कर में आधा दिमाग खराब हो गया और लब जाके कैसे कैसे करने से मिली। तो भाई साहब अभिषेक भाई क्या काफ़ी टाइम बिताने के बाद अब हम वहाँ से भी निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं सीधा शॉप के लिए। शॉप जाते हैं, डेली का यही रूटीन है अपनी ज़िंदगी में, तो अपन सोचते हैं कुछ नया करने का, बट अभी कहीं जा नहीं। तो चलिए शॉप भी आ गए, बढ़िया सीन। क्या हाल चाल है, बढ़िया मस्त वीडियो में एक से एक कमेंट। या इसलिए बोले ब्लॉगिंग करो। अरे ना हो पाएगा। अरे हो पाएगा, कैसे करते हो। चलो कोई नहीं। Many hours later. तो दोस्तों अभी का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और अभी काफी देर तक हम बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि करे क्या। अरे क्या करोगे, पूरा खाए ना अभी, बस पेट अब भर गया है, अब कुछ नहीं करना। मूवी देख रहा था मैं, ट्राई मूवी देखते हैं। भाई साहब काफी टाइम हो गया दुकान में बैठे बैठे, 7:15 हो चुके हैं और 7:15 हुए हैं, तो बहुत टाइम हो गया। ये कौन आया, कौन है ये, पहचान कौन। तो चलिए चलते हैं अब सीधा अभिषेक भाई के पास, थोड़ा देर बैठेंगे और 7:30 तक आओगे। 7:30 बाय। चलो तो भाई साहब आज का सीन ऐसे है कि आज काफी टाइम हो गया कि मैं तो शॉप ही आज लेट आया था और पूरा टाइम शॉप में ही बैठे रहा। उसके बाद सोमी आ गई, बस लड़ना को बुला लिए ये लोग, ये लोग इतना मस्ती कर रहे हैं उधर जाके, निकल गए घूमने के लिए। उसके बाद इन लोगों की भूख तो समोसा मंगाए खा लिए, उसके बाद भी ना मतलब मैं बोला मैं जा रहा हूँ, अभी भी घूमने का प्लान बना ही रहते हो लोग, मैं बोला मैं जा रहा हूँ, काम क्लोज करो और आ जाओ। और गाड़ी में से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या चीज़ का है, गाड़ी को देखना पड़ेगा। सीट खोल के देखता हूँ, मुझे पाना का ही चक्कर लग रहा है। वाह, दुकान इतने जल्दी बढ़ा दिया। सीट उठाया जाए, क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है वो देख लेते हैं। ओहो, पूरा चूहा काट दिया या क्या हुआ पता नहीं, वायर तो सब ठीक है, यही आवाज़ कर रहा है इतना देर से। एक भाई यहाँ आए हुए थे, रुके हुए थे, जैसे ही मैं रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया हूँ ना, पीछे ना रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया। अभिषेक भाई आ जाते हैं तो फिर चलते हैं, कहाँ जाएंगे। वैसे तो शॉप क्लोज कर दिए, कहीं जाएंगे नहीं, मैं ही यहाँ से चले जाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने अभिषेक भाई भी आ चुके हैं, घर गए थे गुड़िया को छोड़ने के लिए, छोड़ दिए हैं और आ गए। क्या बात है अन्ना, अपने अन्ना भाई हैं विशाखापट्टनम से। अपने भाई साहब ना विशाखापट्टनम से आए हैं डिग्री लेने के लिए यहाँ पर। अरे गजब, ये इनका इस बार दंतेड़ा में लास्ट है, तो मैंने सोचा इनके लिए एक मेमोरी कैप्चर कर देते हैं, तो जिंदगी भर ये वीडियो में कैप्चर रहेंगे। भाई साहब ये दंतेड़ा दोबारा आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन यादें संजोग रहना है। चलिए अभी बस बातें करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। भाई बाय, चलो अपन चलते हैं रास्ते में, क्योंकि अपने मुकुल भाई और सन्नी भाई जो हैं घर में इनवाइट कर दिए हम, यार मिलने का मन है अपने को, तो गेट टुगेदर एक हो जाए, तो गेट टुगेदर एक हो गया है, तो चलते हैं चिकन ले लेते हैं, उसके बाद घर में पार्टी है। चलो तो भाई साहब चिकन शॉप भी आ गए हैं, भाई जो है शॉप क्लोज करके आएंगी, अभी भी टाइम है शायद, हाँ अभी टाइम है, क्लोज करके आएंगी, जब तक अपन चलते हैं इधर घर। तो भाई साहब घर पहुँच गए, तो घर आ गए हैं। मैं भाई सोचा बता दूं आप लोगों को, तो बस वाइफ का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं, तो फिर पार्टी शार्टी करते हैं। और आज की जो वीडियो है आप लोगों को
कैसी लगी एक बार बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं, एंगल कैसा था एक बार बताइएगा। Many unbearable hours later. तो भाई जब काफी टाइम हो जाने के बाद वाइफ भी घर आ गई है और मैं भी घर आ गया हूँ, तो मैं सोच रहा था वीडियो एडिट कर लाए, तो सन्नी भाई और मुकुल भाई तो काफी लेट आएंगे, 10:30 बज जाएंगे, लेकिन पार्टी है आप लोगों को पता चल गया तो पार्टी है और वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो रही है। चलिए आज की जो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्यार सा लाइक प्यार सा कमेंट और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में।